वैसे इस आर्टिकल का तीन मीनिंग होता है। एक एक वो वाला आर्टिकल होता है, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल होता है, तो वो तो अलग है। न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल होता है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, छोटा सा एसे आता है, शॉर्ट एसे, एक तो ये आर्टिकल होता है। और एक आर्टिकल्स का मतलब होता है थिंग्स, एक आर्टिकल का मतलब होता है थिंग्स, कमोडिटीज, सामान। ऑल द आर्टिकल्स वेर स्टोलेन, ऑल द आर्टिकल्स वेर स्टोलेन का मतलब है सारा सामान चोरी हो गया। बट ग्रामर में आर्टिकल हमारा क्या है? ग्रामर का जो आर्टिकल है ना वो क्या है? अ, एन और द, ये हमारे ग्रामर में तीन आर्टिकल्स हैं। और कोई मुझे बताएगा कि जैसे हमने फर्स्ट डे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, एट पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है सब, लेकिन मैंने उस पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को इंक्लूड नहीं किया था। वाई 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 पॉली, हाँ आलिटी, एक तो, हाँ एक तो मैं बतानी भूल गई, एक आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल 370 एक अनुच्छेद वाला आर्टिकल भी है। हाँ यस, आर्टिकल को हम पार्ट ऑफ स्पीच में इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं ना कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है, इसलिए हम आर्टिकल को का अलग, मतलब आर्टिकल को हम पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा होता है डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स, तो ये जो डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का ही हिस्सा है उसी में आर्टिकल इंक्लूडेड होता है। तो आर्टिकल जो है ना एक तरह से एडजेक्टिव ही है और एडजेक्टिव का ही डिटर्मिनर है। ठीक है, तो इसीलिए हम आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए इन मॉडर्न इंग्लिश हम आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल डिटर्मिनर्स भी होता है। डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही है, और इसका मतलब है आर्टिकल भी एडजेक्टिव में ही इंक्लूडेड है, इसीलिए हम आर्टिकल का पार्ट ऑफ स्पीच अलग से पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड नहीं करते हैं। अब बोलोगे कि मैम डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? ऑल ऑल डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स। बता रही हूँ कि एडजेक्टिव डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर है। बट डिटर्मिनर क्या करता है? डिटरमाइन करता है किसी चीज़ का वैल्यू, किसी चीज़ का क्वांटिटी, ठीक है, किसी चीज़ की संख्या डिटरमाइन करता है। और इजी लैंग्वेज में ना एडजेक्टिव के डिग्रीज बनते हैं, डिग्रीज बनता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब के डिग्रीज बनते हैं। एक एडजेक्टिव के डिग्रीज बनते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, बट डिटर्मिनर्स के डिग्रीज नहीं बनते। जैसे आर्टिकल का भी डिग्रीज नहीं बनता है, जैसे मैंने लिखा सम बॉयज वर प्रेजेंट, कुछ बॉयज प्रेजेंट थे, तो बॉयज क्या है? संख्या डिनोट, ये बॉयज नाउन है, संख्या डिनोट कर रहा है, ये सम एडजेक्टिव का ही डिटर्मिनर है, संख्या बता रहा है, सम एडजेक्टिव है बट प्रिसाइजली स्पीकिंग एडजेक्टिव का ही डिटर्मिनर है, क्योंकि सम का डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, मैनी, यहाँ पे देखो सम, समर, समस्ट नहीं बनेगा। जैसे मैंने लिखा वन बॉय, तो वन भी तो एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर के रूप, ठीक है, डिटर्मिनर के रूप में ज़्यादा सम डिटर्मिनर है। हाँ ठीक है, तो बस याद रखो कि हमारे तीन तरह के आर्टिकल्स हैं, एक अ होता है, एक एन होता है और द होता है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स, हाँ, और आर्टिकल्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है, और जब एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है तो आर्टिकल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न ग्रामर में ना हम आर्टिकल्स को ही डिटर्मिनर्स बोल देते हैं, और आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ ही यूज़ नहीं होता है, ये चीज़ दिमाग में हटा देना। आर्टिकल्स नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, आर्टिकल प्रोनाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, आर्टिकल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। देखो तो मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ऐसा कुछ लिख दिया। ओके, द बुक्स वर स्टोलेन, द बुक्स वर स्टोलेन। फिर मैंने लिखा आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन। पहले थोड़ा सा बेसिक करवा देती हूँ, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन। तो आर्टिकल्स ऐसा नहीं है कि हमेशा नाउन के साथ ही यूज होगा। चलो यहाँ तो नाउन के साथ है, बॉय क्या है? बॉय नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पे भी बुक्स क्या है? नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले ही लगा है, आर्टिकल्स प्रोनाउन के साथ ही लगा, प्रोनाउन के साथ भी लगता है। अब मुझे बताओ, ये रेड तो एडजेक्टिव हो गया, अब ये मत समझना ना कि मैम ये जो द लगा है ये एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। ये देखना, मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है, ये आर्टिकल बॉय के लिए लगा है। अगर मुझे उस बॉय की विशेषता बतानी है ना, तो मैं लिखूंगी ही इज अ फूलिश बॉय, ही इज अ फूलिश बॉय। तो ये मत समझना कि मैम ये फुल, ये जो आर्टिकल है ये फूलिश के लिए लगा, नहीं, लगा तो है ये बॉय के लिए। अगर अगर मैं इसमें से बॉय हटा देती हूँ ना, नाउन हटा देती हूँ, तो मेरे को आर्टिकल भी हटाना होगा। ही इज अ फूलिश नहीं बोलूंगी, सिंपली क्या बोलूंगी, ही इज फूलिश। अगर हमें आर्टिकल रखना है तो हमें नाउन को भी रखना होगा, वरना आर्टिकल हटाते हो तो नाउन भी हटेगा। तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ लगते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये वन क्या है, व्हाट इज वन, वन क्या है, वन क्या है, वन, ये वन प्रोनाउन है। हाँ, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, मेरे को ब्लू कलर का पेन नहीं चाहिए, ये पेन नाउन है, पेन नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं ना। मुझे ब्लू पेन नहीं चाहिए, मुझे रेड वाला चाहिए, रेड वाला। ये वन जो लगा है किसके लिए लगा है, पेन के लिए, और पेन नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन के साथ भी आर्टिकल लगा लेते हैं, तो आर्टिकल नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ लगता है, ठीक है, दोनों के साथ, दोनों के साथ लग सकता है। आर्टिकल्स आर यूज विद नाउन्स ऑल्सो, आर्टिकल्स आर यूज विद प्रोनाउन्स ऑल्सो, ठीक है, ओके। ये चीज़ पढ़ दिया हमने, और दूसरा चीज़ याद रखना है, तो बेसिक कर लेते हैं। दूसरा चीज़ हमें क्या याद रखना है कि ये जो अ और एन है ना, अ और एन है, हमेशा इसको हम जनरली सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर, ठीक है। और द जो है, द जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, और द प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, दोनों के साथ। मैं द, द बॉय भी बोल सकती हूँ, द बॉयज़ भी बोल सकती हूँ, ठीक है। द का यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है, बट अ और एन हमेशा सिंगुलर के लिए, ठीक है। मैंने लिख दिया एन एप्पल, एक एप्पल है तो एन एप्पल, एक लड़का है तो अ बॉय। तो अ कैन बी यूज विद सिंगुलर, और एन सिंगुलर के साथ यूज होगा, बट द प्लूरल के साथ भी यूज होगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और बेसिक करते हैं, अ और एन हमेशा किसके साथ यूज होता है, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सिंस हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हम आर्टिकल को इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे ना, कि जो बच्चे हमारे स्कूल लेवल के हैं उनको भी समझ में आ जाए, फिर कंपटीशन वाले लेवल तक ले जाएंगे। ये जो अ, सॉरी, ये जो अ है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये अ कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट नहीं लिखना है, क्योंकि हम जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वोवल्स में ए आई ओ यू आता है, और जहाँ भी ए आई ओ यू देख लो ना, वहाँ पे एन लगा दो, और ए ई आई ओ यू के जगह बाकी सारे को देखो, बाकी सारा कुछ भी दिख जाए तो अ लगा देना, बट ऐसा थोड़ी होता है। हम वॉवल्स ने और कॉन्सोनेंट्स को नहीं देखते हैं, वॉवल्स का मतलब है स्वर, और कॉन्सोनेंट्स इज व्यंजन, हम स्वर और व्यंजन को नहीं देखते हैं, हम साउंड देखते हैं, साउंड देख के लगाते हैं, कॉन्सोनेंट को देख के अ नहीं लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है, प्रोनंसिएशन देखते हैं, ओके, कहाँ कॉन्सोनेंट का प्रोनंसिएशन आ रहा है और कहाँ वॉवल का, ठीक है। वोवल इज स्वर, जैसे जहाँ भी वोवल साउंड आ गया, जहाँ भी वोवल का प्रोनंसिएशन आ गया, वहाँ पे एन लगा देना, और जहाँ भी कॉन्सोनेंट का प्रोनंसिएशन आया वहाँ पे द लगा, अ लगा देना। और ये जो द है ये दोनों के साथ, ठीक है, अ तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन वोवल साउंड के साथ, बट ये जो द है ये हमेशा, मतलब ये दोनों के साथ, ये कॉन्सोनेंट के साथ भी लगा देना, और ये वोवल के साथ भी आप लगा सकते हो, ओके, दोनों के साथ लगा सकते हैं, दोनों के साथ लगा सकते हो। देख, जैसे देखो, मैंने लिखा द बॉय और मैंने लिखा द एप्पल, और आप बोलोगे कि मैम बॉय तो, बॉय तो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ब आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, और एप्पल क्या है, एप्पल वोवल साउंड है, तो द हम वोवल के साथ भी लगा सकते हैं और द कॉन्सोनेंट के साथ भी लगा सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि कभी कभी हम द को द बोलते हैं और कभी कभी द को दी बोलते हैं। जब कॉम्प, जब वॉवल के पहले द लगा है ना, तो दी पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है, वॉवल के पहले आएगा तो दी पढ़ लेना, कॉन्सोनेंट के पहले आएगा तो द पढ़ लेना, जैसे एंड,
हम द एंड ना बोल के बस बोलते समय हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं, बट द एंड से भी ज्यादा अच्छा प्रोनंसिएशन है दी एंड. दी एंड एंड वॉवल साउंड है ना. दी एप्पल दी ऑरेंजेस. तो जब भी वॉवल साउंड के पहले जो द लगा है उसको दी पढ़ना है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगा है द पढ़ना है. बट बोलने में हम उतना ध्यान नहीं रखते, हम लोग सब बोल लेते हैं. ओके ये हो गया. नहीं नहीं जोड़ देना है तब दी थोड़ी बोलते हैं. हमें बोलने से मतलब ही नहीं है, मतलब होना चाहिए. जब सीख गए हो ना कोई चीज़ तो सही बोलना चाहिए. ठीक है. अ और एन और कॉन्सोनेंट हमारे वोवल्स में क्या आता है, वोवल्स में ए ई आई ओ यू आता है. और वोवल्स के अलावा जैसे ये वोवल्स है ना, वोवल्स वोवल्स क्या लिख दिया, वोवल साउंड लिखना चाहिए था, वोवल कॉन्सोनेंट लिख दिया. बोल भी नहीं रहे सब चुपचाप हो. ठीक है. वोवल में क्या आता है, वोवल साउंड में ए ई आई ओ यू वाला आता है, और इन पांचों को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अगर जिसको ये भी दिक्कत हो रही, जिसको ये भी समझने में दिक्कत हो रही है ना, उसके लिए एक और चीज़ है, थोड़ा सा हिंदी कर लेते हैं. जहाँ भी जैसे वोवल साउंड में आपका वोवल साउंड में ए ई ओ ए ई आई ओ यू वाला साउंड आता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट में बस आपका प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए. कॉन्सोनेंट वाले साउंड में इन पांचों को छोड़ के बी सी डी ए बोला होना चाहिए. बस याद रखना वोवल इज स्वर, दिस इज व्यंजन. और सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी वर्ड को प्रोनंस कर रहे हो, किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हो, और वहाँ पे अ आई ई वाला आता है, अ आ ई ई वाला उच्चारण आए ना, ठीक है, ओ आओ ऊ वाला उच्चारण आए, तो क्या लगा देना, एन लगा देना, एन लगा देना. अगर किसी वर्ड को उच्चारण करने में अगर क ख ग ग वाला साउंड आए, देर देर मस्ट बी सम ब्रिटिश. कुछ हमारे बैच में ब्रिटिश अमेरिकन हो गए जिसको क ख ग ग नहीं आता है, बट इंडियंस होने के बावजूद भी क ख ग ग नहीं आता है ना, तो इट्स अ शेम ऑन यू. सबको क ख ग ग आना चाहिए. अगर क ख ग ग का उच्चारण आए तो क्या लगाओगे, अ लगाना, अ. अगर अ आ ई ई ऊ वाला उच्चारण आए तो एन लगा देना, और द तो दोनों के साथ, द दोनों के साथ, ठीक है. हाँ ओके तो हाँ अगर अगर नहीं आता है ना तो मत सोचना कि अरे मेरे को तो क ख ग नहीं आता, मैं तो ब्रिटिश हूँ, मैं तो वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, शेम ऑन यू अगर नहीं आता है तो. ठीक है, थोड़ा सीरीज इधर उधर भूल जाओगे, बट आना चाहिए, आना चाहिए. अब बच्चों को सिखा दिया जाता है ना छोटे क्लास में, छोटे क्लास में आपका दिमाग भी तो छोटा होता है, टीचर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, सोचते हैं कि अपने कोचिंग करने जाएगा, कोचिंग वाले टीचर के ऊपर तो प्रेशर करेगा ही है. तो कुछ बच्चों के दिमाग में है ना, जैसे मैंने लिखा, अभी मैं बहुत सारा वर्ड दूंगी, जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला और मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, दोनों लिखा, दोनों लिखा, और अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, और यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रहा है. और आपने पढ़ा है ना कि जहाँ भी यू आ गया, ए ई आई ओ यू आ गया, तो एन लगा देना, और आप फटाफट एन लगा दोगे दोनों जगह. बट प्रायर टू दिस ऑल्सो मैंने बोला था ना कि ए ई आई ओ यू को देखना ही नहीं है, आपको आपको साउंड देखना है. साउंड देखना है मतलब आपको उच्चारण देखना है, आपको प्रोनंसिएशन देखना है, ठीक है. यहाँ जो यू का प्रोनंसिएशन है ना, अम्ब्रेला, अ अ अम, अम्ब्रेला आ रहा अम, और अ अ आ ई ई ऊ में आता है, तो एन तो सही है, बट यहाँ का प्रोनंसिएशन अमीन अमीनसी बोला नहीं जा रहा, अम्बर्सिटी नहीं आ रहा, यहाँ यूनिवर्सिटी आ रहा, यू यू य यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू 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 आ रहा है. आपको लगेगा अरे ये यू से स्टार्ट हो रहा है ना, अरे यू तो वोवल होता है, एन लगा देते. साउंड देखो, उच्चारण देखो, यहाँ यू का प्रोनंसिएशन य है, य. और हर स्टूडेंट को पता है कि य र ल व क ख ग ग में आता है, क ख ग ग में आता है, तो एन लगा देना, ए सॉरी अ लगा देना, अ, तो यहाँ अ लगेगा. और जो हमारे ब्रिटिश वाले बच्चे हैं ना जिसको क ख ग ग नहीं आता है, वो क्या करेंगे ना, इस यू को ऐसे ना लिख के लिखेंगे वाई यू, वाई यू यू वाई, और वाई इन पांचों में नहीं है ना, वाई तो ये में है, तो इसके साथ अ लगा देना. और अम को लिखो अम, अ अ ए ई एम अम, ठीक है, ब्रिटिश वाले के लिए अम, अ आ रहा है तो अ आई, ए वाला आ रहा है तो ये लगा. आप कंप्लीट ग्रामर इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये आज ग्रामर का, कंप्लीट ग्रामर का आज लास्ट टॉपिक है,
पता नहीं कब कब जाग के आते हो। आज कंप्लीट ग्रामर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? आज ग्रामर का लास्ट टॉपिक है, शुरू वाले मैंने उसी लिए आके पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है? तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, देखती हूँ इसमें होगा। और द तो दोनों के साथ लगता है, द में कोई प्रॉब्लम नहीं। रुको, कहीं पे होगा। हाँ ठीक है, मैं इसमें से आपको अ और एन लगाना है, द नहीं लगाना है, क्योंकि द तो वोवल के साथ भी होता है, द कॉन्सोनेंट के साथ भी होता है। सिंपली याद रखो, अरे अ आ ई का प्रोनंसिएशन जा रहा है, ऐसा वाला ही, अ आ ई उ, इसका प्रोनंसिएशन जा रहा है, तो एन लगाना। पूरा क ख ग घ का लास्ट में थोड़ा सीरीज गड़बड़ है, बट इतना तो पता है ना, य र ल व ये सब क ख ग घ में आता है, जब क ख ग वाला आ रहा है तो अ लगाना। चलो अभी तो बता दिया। ये देखो, ये भी ई से स्टार्ट है और ये भी ई से स्टार्ट है, लेकिन इसको अरोपियन नहीं पढ़ेंगे, या ईरोपियन नहीं पढ़ते हैं, ये ईरोपियन नहीं है, ये है यू 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 यूरोपियन, यू रोपियन य आ रहा है ना, और य जो है यूरोपियन, और हमारे ब्रिटिश वाले के लिए है यू, वाई यू, और वाई यू वाई वाई जो है वो क्या है, ये तो, ए ई आई ओ यू वाला हो गया, इसके अलावा ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ लगा। लेकिन एग में ए आ रहा है, एग ए वाला आ रहा है, और ए आई इसमें आता है, क ख ग घ नहीं आता है, एन लगा दे, बचपन वाला है। अब देखो, सन में तो डायरेक्टली स आ रहा है, स क ख ग घ में आता है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे एस पी है, ठीक है? एसपी को स, जैसे सन में तो डायरेक्टली स आ गया है ना, बट एसपी में स पी नहीं है। हिंदी में भी कोई एसपी लिखने बोले तो ऐसे लिखोगे ना, एस एस, ठीक है, डॉट पी। एसपी में अ और स जुड़ा हुआ आ रहा है, हिंदी में तो एसपी लिखोगे, और इंग्लिश में एस एस, अ और स एक साथ आ रहा, ए एस एस, इसमें अ नहीं आ रहा, इसमें सन, सन में डायरेक्टली स आ जा रहा, स का क में आता है, बट एसपी में एन, एस द तो सबके साथ। वन आइड मैन, अब मैंने लिखा आउल, आउल लिखा और फिर लिखा वन आइड मैन, अब दोनों दोनों क्या से शुरू हो रहा है, दोनों शुरू हो रहा है ओ से, और ओ क्या होता है, ओ इज अ वोवल ना, ओ इज अ वोवल, और वोवल के साथ तो आपको एन लगाने का मन करेगा, बट यू हैव टू सी द साउंड, यू हैव टू सी द प्रोनंसिएशन। आउल, आउल में ओ आउ वाला आ रहा है, आउल में ओ आउ वाला आ रहा, आउ आउ का अ ई में आता है, तो एन लगा देना। बट यहाँ जो वन का प्रोनंसिएशन, यहाँ जो ओ का प्रोनंसिएशन है, आउ नहीं है, वन वन व आ रहा है, वन व व को इंग्लिश में डब्ल्यू बोलते हैं, व वॉच व, और व क ख ग घ में आता है, तो इसके साथ अ लगा देना, अ, ठीक है। एम एल ए, अब मैंने आपको डायरेक्टली मग लिखा होता, मग, मग में डायरेक्टली म आ रहा है, तो अ मग, बट अगेन एसपी की तरह ना, एमएलए में, एमएलए हो या एमए हो, इसमें ना एम आ रहा है, अ और म एक साथ आ रहा है, तो एन एमएलए। आपको लगेगा अरे एम तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, एम तो कॉन्सोनेंट साउंड है और एम के साथ तो अ लगना चाहिए, ठीक है? ए नहीं बोलना, अ बोलना, तो एन एमएलए। हाँ, सिलेक्शन हो गया है ना, तो बहुत अच्छी बात है, अपना डिटेल्स भेज दीजिए, जब जिसका जिसका भी सिलेक्शन हो गया है, डिटेल्स भेज देना है। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है ना कि टीम ही थक चुकी है, और हम लोग ना फोटो को बहुत क्रॉप कर करके डालेंगे ना, तो बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। मतलब अगर हम लोग 5 का एक साथ भी डालते हैं ना, तो फोटो इतना छोटा हो जा रहा है ना कि बच्चे खुद नहीं चाह रहे, बोले मैम फेस तो दिखना चाहिए, तो इतने ज़्यादा सिलेक्शंस हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तीन तीन को कंपाइल करके डाल रहे हैं, ओके, तीन तीन को कंपाइल करके डाल रहे हैं, 5-6 को कंपाइल करेंगे ना, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो जल जल के उनकी आंखें ग्रीन हो गई है, मैम ना एक ही बार डाल दीजिए ना, ऐसे जला क्यों रहे, अरे मैं जला थोड़ी रही हूँ, मैं तो सेलिब्रेट कर रही हूँ सक्सेस को, जो जल रहे हैं नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन, आपका फोटो रहेगा, तो बहुत को एक साथ डालने से ना उनका फोटो क्लियरली नहीं दिखेगा, और सब चाहता है, हर इंसान चाहता है कि अगर उसने कुछ पाया है तो उसको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है? तो नहीं जलना है, जलना नहीं है, आंखें ग्रीन ग्रीन दिख रही है, सब छोटा हो जाएगा ना, फोटो छोटा हो जाएगा उससे, जलने की क्या बात है, अगली बार आपका फोटो रहे, और मैं तो इतना इंजॉय कर रही हूँ ना,
मैं आपके सक्सेस को भी इंजॉय कर रही हूँ और उससे ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ जिस हिसाब से आप लोगों ने फोटो भेजा है। मतलब मुझे लग रहा है ना 25% बच्चों का फोटो ऐसा होगा ना जिसने सही से भेजा है। कोई बोट में बैठा है, कोई बाइक में बैठा है, कोई कार में खड़ा है, कोई फेरी लाइट्स के पीछे है, कोई पार्क में है। मतलब ऐसे ऐसा फोटो भेज रहे हैं ना, और किसी ने अपना फेस को इतना ट्विस्ट करके भेजा है ना कि भाई टीम को बोला गया थोड़ा थोड़ा उसका सिर सीधा करके ना उसको कुछ हद तक सीधा करो। ऐसे ऐसे फोटो भेजा है आप। मैं बैठ बैठ के वो सब मुझे फोटो दिखा रहे हैं और मैं उसी में अपना एंटरटेनमेंट कर रही हूँ। तरह तरह का फोटो भेज रहे हैं सब, और सीधा तो भेज ही नहीं रहे हैं, और खास करके गर्ल्स। अरे इतना ध्यान रखना है ना, आपका फोटो एक फॉर्मल काम के लिए जा रहा है, ठीक है, शादी के लिए तो नहीं जा रहा है ना, एक फॉर्मल के लिए जा रहा है। ऐसा ऐसा स्टाइल में भेज रहे हो ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आएगा इतने ही। ओके, ट्विस्ट करके, ये करके, वो करके आना तो इतना ही है, और बैकग्राउंड अच्छा करके भेज देना, रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं, कैंडिड फोटो ऐसा भी नहीं होता है, अजीब अजीब सा भेज रहे, कहीं से भी भेज दे रहे। अरे आपके पास पहले का फोटो नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है, वॉल पे जाइए, अपने वॉल से एक फोटो क्लिक करके कर दिए। शादी के लिए थोड़ी भेजना है मुझे, शादी के लिए नहीं भेजना है। नेक्स्ट वाला, चलो शुरू हो जाओ। आउल, प्रोनंसिएशन करो। आउल में क्या आ रहा है? ओ आउ, आउ वाला अ आ ई ई वाला प्रोनंसिएशन आ रहा है, एन लगा दो। मग में डायरेक्टली म आ रहा है, म क ख ग घ में आता है, अ लगा दो। अम्ब्रेला में अ आ रहा है, अ आ ई ई उ ऊ में आता है, एन लगा दीजिए, एन लगा दीजिए। एक्सरे, अब एक्सरे में भी ना एक्स एक्स अ और स एक साथ आ रहा है। जैसे एक्स एक्सरे होता है ना, एक्समस या एक्समस ट्री में एक्स अ और स एक साथ आ रहा है, तो एन एक्सरे। यूनिवर्सिटी में यू लगा है बट प्रोनंसिएशन तो य है, य क ख ग घ में आता है। एमए में भी अ और म एक साथ आ रहा है, एन एमए डिग्री। यूनिक, ठीक है, यूनिक भी यू से शुरू हो रहा है बट यूनिक में य है, यूनिक, अ यूनिक मैन। अच्छा लग रहा है यहाँ अभी हम लोग को भी ना, मतलब हमारी टीम भी थक गई है, बोल रहे हैं मैम हम लोग का दो दो नया बैच आ रहा है और काफी सारे उसमें पेंडिंग वर्क बचा हुआ है, नया नया कंटेंट लाना है। दो दो नया बैच हम लोगों ने अनाउंस कर दिया, ये कम्युनिटी का सिलेक्शन ही नहीं खत्म हो रहा मैम। मैंने बोला जल्दी जल्दी करो, ओके जल्दी जल्दी करो, चार चार का तो कंबाइन करो या तीन तीन का करो, मतलब फेस दिखना चाहिए। बच्चे उसको क्लिक करके अपने प्रोफाइल और फोटो स्टेटस में डाल रहे हैं कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि इस वीक में फ्राइडे सैटरडे तक इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे तक ये प्रोसेस खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब दो बैच अनाउंस हुआ है उसके लिए कंटेंट पे भी तो काम करना है। ओके हाँ, और एक और काम करना है, ये जो मेरे धोखेबाज गर्ल्स है ना, ठीक है, जिनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, जो जूम मीटिंग में भी नहीं आते हैं, जो मीटअप में भी नहीं आते, हमारे ब्रो लोग जो है वो तो बहुत वफादार है, तो मैं उन लोग के लिए भी, हमारे गर्ल्स के लिए भी एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उसका लिंक चला जाएगा आपके पास। जिन 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 गर्ल्स ने गूगल फॉर्म भरा है और उनके पास जूम मीटिंग होगा, मोस्ट प्रोबेबली ना ये जूम मीटिंग हम लोग सैटरडे को रखेंगे 1 बजे। वैसे मीटअप भी होगा, लेकिन एक बार मैं अपने गर्ल्स का चेहरा देखना चाहती हूँ, ताकि वो जूम मीटिंग में आए ना तो मैं एक बार सामने से उनको डांट दूँ, ताकि वो डांट खा के मीटअप में ज़रूर आए। जब मीटअप होगा तो वो उसका नाम रहेगा गर्ल्स पावर, ठीक है, गर्ल्स पावर के नाम से एक हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। वो गर्ल्स करीब 100+ है, 101-102 गर्ल्स है, वो गर्ल्स जो इस बार इन्होंने सेलेक्शन लिया है उनके पास लिंक जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद मीटअप में तो आना ही है। तो ये हो गया आपका, और भी बच्चा है इसमें। हाँ अब पढ़, अब बताओ, अब आप बोलोगे कि मैम ये एच है, एच है, और एच का, एच तो ह होता है, ह, ठीक है, जैसे हट, हट लगाया, हट मतलब झोपड़ी, हट लगाया, ह तो अ लगा दिया, तो यहाँ भी तो एच है, बट इसका प्रोनंसिएशन हेयर नहीं है, इसका प्रोनंसिएशन इज एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, लिख लो हिंदी में, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, जिसको वारिस बोलते हैं, ठीक है, वारिस है, उत्तराधिकारी है, तो इसमें एच साइलेंट है, दिस इज एयर, एयर, तो क्या है, एयर, एन लगाना। ऑनरेबल में भी हॉनरेबल नहीं है, ऑन एच साइलेंट है, ऑनरेबल, ऑन ए ए, ऑनरेबल,
मतलब एन ही आ रहा है, ऑनरेबल ऑफ, इसमें भी एन लगा, और नेस्ट में तो न आ रहा, न क ख ग घ में आता है वो लगा दे रहा, एनआरआई, एनआरआई में एन में एन, अ और न जुड़ा हुआ, सो इट इज एन एन. होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा. द तो दोनों के साथ, द दोनों के साथ आता है, इसलिए मैंने द आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं. कुछ गर्ल्स को मैंने बोल दिया होगा बुरा लग गया है, गर्ल्स गर्ल्स को धोखेबाज बोल दिया है, कुछ को अंदर से बुरा भी लग गया होगा, बट मैंने बुरा ही लगने के लिए बोला है. सारे गर्ल्स को थोड़ा सा एक बातचीत हो जाएगी, ठीक है, ये भी हो गया. हाँ अब आ जाओ, ये सब तो बेसिक बेसिक, यहाँ पे भी आप लोग गलत कर देते हो, देखा है मैंने. हाँ यहाँ में भी गलत करते हो, अब बताना, ये कई बार मैंने देखा है. ईयर, अब बताओ, अ होगा या एन होगा, क्या होगा? बुरा क्यों मानेंगे हम? बुरा लगने के लिए बोला है, नहीं मानोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा. मैंने बुरा लगने के लिए बोला है, जिसको जिसको बुरा नहीं लगेगा ना, फिर मुझे बुरा लगेगा. बोलना है मैम हमें बहुत बुरा लगा, क्या होगा? हाँ हाँ मेरे को पता था, मेरे को पता था कि एन 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 करोगे, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. लेकिन अ होगा, इसका प्रोनंसिएशन ईयर है, ईयर नहीं है. ये वाला जो ईयर होता है ना, कान वाला, ये है ईयर, ई ई ई अ अ ई ई में आता है एन ईयर, बट ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, य य य ईयर, ईयर वन ईयर, य य क क क में आता है. ठीक है चलो, ये तो हमारा बेसिक क्लियर हो गया आपका. ये वाला ना, ये वाला ना जो इतना स्लाइड में है ना, मैं आपको ये सब स्लाइड दिखा दिखा के कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है, यही सब था ये, ठीक है, यही सब था ये. इतना लेंदी लेंदी लिखने से बेटर है ना कि आप ये लिख के काम चलाओ. और दूसरा दूसरा जो मुझे आपको बताना था, दो तरह के आर्टिकल्स है, ठीक है, दो तरह के आर्टिकल होते हैं. एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल मतलब किसी डेफिनेट चीज़ या पर्सन को इंडिकेट करता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल में. और आर्टिकल में हमारे पास तीन आर्टिकल है ना, अ एन और द, और ये जो एक है यहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये जो अ और एन है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल में अ और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, ठीक है. आपको याद होगा जब मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करवाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ना कि अगर किसी वाक्य में पहले अ बॉय आ गया और फिर द बॉय आ गया, एक एक वाक्य में अ बॉय हो और दूसरा वाक्य में द बॉय है, तो अ बॉय वाले को पहले मानना है, पहले अ बॉय आएगा. एक लड़का था और फिर द बॉय मतलब उस लड़के के बारे में खास बातचीत की जा रही है, द बॉय मतलब उस लड़के के बारे में, हम द बाद में लगाते हैं, पहले अ लगा लेते हैं. तो ये सब आपके ऑप्शंस एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है. तो द किसी निश्चित के लिए है, और अ और एन तो कोई भी हो सकता है. अब मैंने लिखा, देखो, आई मेट अ डॉक्टर और आई मेट द डॉक्टर, दोनों सही है, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. आई मेट अ डॉक्टर इज ऑल्सो करेक्ट, एंड आई मेट द डॉक्टर इज ऑल्सो करेक्ट. डिपेंडिंग, आई मेट अ डॉक्टर, मैं गई, मैं एक डॉक्टर से मिली, आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिली, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. अ का मतलब होता है ना एनी, ये जो अ और एन होता है इसका मतलब होता है एनी, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. मैं एक डॉक्टर से मिली, इट कैन बी एनी डॉक्टर. बट आई मेट द डॉक्टर, द डॉक्टर मतलब किसी खास डॉक्टर जिसको मैं पहले से जानती थी, जिस पे पहले से अपॉइंटमेंट था, ठीक है. और ये सब तो क्लियर हो गया, ये सब आपको पहले से भी पता है, ये सब वही वाला है जो मैं इतना ना, ये सब नहीं पढ़ना है. और एन सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है, बट अ कॉन्सोनेंट के लिए, एन वॉवल के लिए, ये मैंने आपको ना वो मतलब ऐसे टेबल बना बना के समझा दिया. ये मत सोचना ना कि मैम ये सब मैम ने उड़ा दिया, ये वही वाला है, कॉन्सोनेंट वॉवल, ठीक है, ये वाला सब समझा दिया, ठीक है. ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी हॉनेस्ट नहीं होता, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, यही सब है, यही सब. और यही वाला है, ये सब छोड़ दो. एसपी, एसपी में अ और स, एमएलए, एम, एफआईआर, एफ, अ और फ, एक्सरे में भी अ और स, सब में अ अ आ रहा है ना, तो एन लगाना, एन लगाना. और एक चीज़ मुझे और बताना था, एक चीज़ और था कि अभी तो आपने पढ़ा कि अ और अ लगता है, अ लगता है वोवल के, सॉरी, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन लगता है वोवल के साथ, ये पढ़ा.
और आपने ये भी पढ़ा कि और एन नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, लेकिन ये याद रख, मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय. याद रखना है कि और एन और लगेगा कि एन लगेगा, ये देखने के लिए ना हमें देखना है कि वो किस वर्ड के पहले लगा है, ठीक है. अब मैंने लिखा ही इज अ या एन इंटेलिजेंट बॉय, तो अब बच्चा ये बोलेगा कि मैम आर्टिकल तो आपने बोला है नाउन के लिए लगता है, ठीक है, आर्टिकल तो नाउन के लिए लगा है, ये जो अ लगा है ये किसके लिए लगा है, ये बॉय के लिए लगा है. और यहाँ भी जो हम लगाएंगे ना वो एक एक इंटेलिजेंट लड़का है उसी के लिए लगा है, लेकिन ये ध्यान रखना ना वॉवल और कॉन्सनेंट लगाने के लिए हमें देखना है ना कि वो किस वर्ड के पहले लगा है. यहाँ बॉय के लिए लगा है, बॉय एक कॉन्सोनेंट है. आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो बॉय के लिए लगा है, ये नहीं देखना है किस वर्ड के पहले लगा है. इंटेलिजेंट इन इन ई, तो यहाँ पे एम. वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स लगाने के लिए ना, अभी मैं सुबह के बैच में एक एरर करवा रही थी, छोटा सा एरर था आर्टिकल का, वहाँ पे अ अर्ली लगा था. आर्टिकल इजी टॉपिक है, लेकिन हम लोग इतना खो जाते हैं ना वर्ब टेंस एडजेक्टिव एडवर्ब में कि हम छोटा सा आर्टिकल को इग्नोर कर देते. अ अर्ली लगा था, अर्ली अ अर्ली, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मतलब कुछ ने तो पता कर लिया बट अर्ली अ, तो यहाँ पे एन लगा, अ अर्ली नहीं हो एन, ठीक है. ये भी हो गया, ये बेसिक 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 सब हो गया. अब चलो जहाँ से हमारा मेन में एरर्स आता है, ये देखो यही वाला है, द हम किस लिए लगाते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए. द बॉय आई मेट एट द स्टेशन, यहाँ पे अ बॉय नहीं लगाऊंगी, द बॉय यहाँ पे और नहीं, किसी खास लड़के से बात हो, किसी खास लड़के की बात हो रही है ना जिससे मैं स्टेशन पे मिली, द लगा देना. वैसे ये भी ध्यान रखना, एक चीज़ ये बता दिया, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आप कुछ नोट करो, एक दो चीज़ नोट करो, वो सब मैं आपको द वाला बाद में पढ़ाऊंगी, पहले ये वाला सेंटेंसेस नोट करिए. पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला मैंने आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ाया है, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ. मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, अरे और दूसरा लिखा मिस्टर राम, ऐसा मैंने 60 में रूल्स में भी करवाया हैज कम टू मीट मी, ठीक है, हाँ मिस्टर राम हैज, और दूसरा ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को भी आपको याद रखना है. शेक्सपियर वॉज एक मिनट रुको, ये सब सेंटेंसेस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है. द शेक्सपियर, अब ऐसा नहीं है ना कि मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा दिया है तो यहाँ नहीं पढ़ाऊँ, चूंकि ये पूरा बैच डिटेल में चल रहा है. द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है. कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द न्यूटन, ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या किसी के नाम के आगे आर्टिकल लगता है, लगता है, लग भी सकता है, कब कब नहीं लगता है, कब लगता है बता रही. द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और फिर लिखा मैंने ही इज, या कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो वहां स्विट्जरलैंड के पहले द लगेगा. ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, पहले इसको लिखिए और डन बोलिए. अरे रुको ना, पहले लिखो, जब किसी व्यक्ति के क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है तो द लगा देना, जब क्वालिटीज नहीं है तो नहीं लगाना. लिख लिया सबने, सबसे ज्यादा हल्ला मचाए हुए थे कि मैम पता नहीं कंप्लीट, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना, मैम पता नहीं कंप्लीट करवाएगी कि नहीं करवाएगी. आज हम लोग का ग्रामर का बैच का लास्ट क्लास है
और जो बच्चे आज आए हैं ना, आप कंप्लीट इंग्लिश बैच में देखिए, मैंने 14 15 इनफैक्ट एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है, एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। एक मैं आपका और सेशन लूँगी, क्या बोलते हो? लेकिन अभी बोल दूँगी ना तो पीछे ही पड़ जाओगे। क्या बोलते हो कि एक ज़बरदस्त सेशन कंडीशनल का होना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। एक कंडीशनल सेंटेंसेस का मुझे लग रहा था कि एक ज़बरदस्त सेशन होना चाहिए, इसलिए क्योंकि सीपीओ में एक कंडीशनल सेंटेंस का एरर आया था और 80% बच्चा रॉन्ग करके आ गया, 80% बच्चे आंसर रॉन्ग करके आ गए हैं। तो क्या बोलते हो, होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस का एक ज़बरदस्त वाला सेशन जो एग्ज़ाम में आता है? होना चाहिए ना। लेकिन पीछे नहीं पढ़ना, मैं उसको ले लूँगी, मैं उसको ले लूँगी मंडे ट्यूसडे जब भी। पीछे नहीं पड़ जाना कि आपने तो, मतलब ऐसा पीछे पड़ जाएंगे ना कंडीशनल का, रोज कंडीशनल के बारे में बोलेंगे, टीम को फोन करेंगे कब होगा, लग रहा है कि उसी से सारा एरर आएगा। मैं उसको करवा दूंगी, अपनी सुविधा के अनुसार करवा दूंगी। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम छोड़ दो, हम तो पढ़ लिए हैं कंडीशनल सेंटेंस। पीछे नहीं पढ़ना है, हाँ पीछे नहीं पढ़ना है, अगर बोला है तो करवा दूंगी। A to Z ऑडियो बुक है ना, उसके पीछे ही पड़ गए हैं सब, कि लग रहा है ना कि आज ही पूरा ऑडियो सुन लेंगे। A to Z ऑडियो सुनोगे ना, फिर आपको मेरे से नफरत होने लगेगी, मेरी आवाज़ से दिन रात A to Z सुन सुन के। पीछे कोई नहीं पढ़ेगा, मैं उसको करवा दूंगी, यहाँ नहीं पढ़ेंगे पीछे। ओके, एक तो पढ़ लिया है, एक बोल रहा है ना कि मैम मैंने पढ़ लिया है, मैं सोच रही हूँ उसी को बुला के पढ़वा दो, उसी को बुला के पढ़वा देती हूँ, उसने पढ़ लिया है। ठीक है चल। मिस्टर राम है, कभी कभी, वैसे तो हम किसी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट कभी कभी हम किसी के नाम के आगे आर्टिकल लगाते भी है, दो कंडीशन में लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी उस व्यक्ति की क्वालिटीज बताई जा रही है ना, तो क्वालिटीज बताई जा रही है तो वहां कौन वाला आर्टिकल लगाते? द वाला। किसी व्यक्ति के थ्रू उसकी क्वालिटीज बताई जा रही है तो वहां द लगाते हैं। पहले पहले तो मेरे को ये ऊपर वाला दोनों से, अच्छा दोनों तो एक ही लिख दिया ना, बोल भी नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए हो सब। कोई नहीं बोल रहा है कि मैम ये दोनों सेंटेंस तो आपने सेम लिखा है, चुपचाप खाली बैठे हुए। अ लगाना, घर पर ही बुला लो उसको। सही बोला मैम, मैं बोला था। अच्छा प्रदीप बोले हैं, प्रदीप आप आ जाना ना दिल्ली में, स्टूडियो में आ जाना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, या मेरे स्टूडेंट कोई पढ़ा देंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक एक को तो मैं अभी तुरंत बिजनेस मॉडल को ब्लॉक करूंगी, तुरंत इसको ब्लॉक करूंगी। जब किसी व्यक्ति की क्वालिटीज बताई जा रही है ना, तो वहां पे द लगाना है। ये देखो, मिस्टर राम हैज कम टू मीट, सॉरी पहले ये देखो, सेकेंड थर्ड और फोर्थ देखो। द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर कालिदास की तरह, कालिदास शेक्सपियर की तरह, या शेक्सपियर कालिदास की तरह एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो यहाँ ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है, ठीक है, ओरिजिनल शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो यहाँ पे द मत लगाना, नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखो, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो थे वो इंडिया के शेक्सपियर थे, तो कालिदास सचमुच में शेक्सपियर नहीं थे, कालिदास में शेक्सपियर वाली क्वालिटीज थी। तो यहाँ ओरिजिनल शेक्सपियर की बात नहीं हो रही है, शेक्सपियर की क्वालिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगा देना, बट यहाँ पे मत लगा। अभी ने आपको मैंने भर भर के आशीर्वाद दे दिया, आप बनारस जंक्शन में हो ना, अब बाबा विश्वनाथ भोले बाबा आपका एग्ज़ाम ज़बरदस्त करवाने वाले हैं और जल्दी आपको भेजेंगे दिल्ली मीटअप के लिए। द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल न्यूटन, न्यूटन इन ओरिजिनल, न्यूटन एज अ पर्सन, न्यूटन एज अ पर्सन ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। पर्सन के सेंस में मत लगाना, बट ये तो हमारे क्लास का न्यूटन है, ये तो हमारे क्लास का न्यूटन है, मतलब सचमुच का न्यूटन नहीं है, उसमें न्यूटन वाली क्वालिटीज़ है, तो यहाँ पे लगा सकते हो। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर सचमुच का स्विट्जरलैंड नहीं है, मतलब स्विट्जरलैंड वाली क्वालिटीज़ है, बहुत सुंदर है। ये तो चलो ये हो गया, ये हमारे क्लास का विराट कोहली है, ये सचमुच में विराट कोहली थोड़ी है, ये तो मतलब इसमें विराट कोहली वाली क्वालिटीज़ है। ये हमारे क्लास की कैटरीना कैफ है, ये हमारी क्लास की ऐश्वर्या राय है, ब्यूटीफुल है, वो सब है। जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाते हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाने का मतलब है, उस प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाना मतलब उसके थ्रू किसी क्वालिटीज को बताना, तब लगा देना। अब ऊपर वाला सेंटेंस लगेगा ना कि मैम पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है, बट दोनों सही है। अ मिस्टर राम, अ मिस्टर राम का मतलब होता है एनी मिस्टर राम, कोई मिस्टर राम नाम का व्यक्ति मुझसे मिलने आया है जिसको मैं नहीं जानती।
जैसे मैं बैठी हूँ और मुझे किसी ने बोला कि मैम कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर राम कितनों का नाम हो सकता है? कोई मिस्टर राम, लेकिन मिस्टर राम आपसे मिलने आए हैं तो यहाँ तो स्पेसिफिक, यहाँ द मत लगाना। आप बोलोगे मैम स्पेसिफिक करने के लिए द लगा दिया जाए, बट प्रॉपर नाउन के पहले द लगा देते हो ना, तो वो स्पेसिफिक ना हो के वो क्वालिटीज बताने लगता है। तो यहाँ राम की क्वालिटीज नहीं बताई जा रही है, द मत लगाना। करेक्ट है, ठीक है, हाँ ओके, ये हो गया। और एक बता रही हूँ, एक सेंटेंस और आया था। एक सेंटेंस आपके प्रीवियस पेपर का, जो भी नंबर 7 वेवन डाल लो, ऐसा था। जज प्रीवियस पेपर में आया है, जज इन हिम। जब भी क्वालिटीज बता रहे हैं तो वहां पे अ एन मत लगाना, द लगाना। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन एंड ही सेंटेंस्ड हिज ओन सन टू डेथ। चलो बताओ कहाँ पे एरर है। ये आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन। पायस का सिनोनिम रिलीजन नहीं होगा, रिलीजियस होगा तो हो सकता है, ठीक है। देखो ये पायस, पायस का मतलब है बहुत पवित्र, और पायस में रिलीजन नहीं होगा, रिलीजियस होगा, क्योंकि पायस एडजेक्टिव है और रिलीजन नाउन है। अगर कोई वर्ड नाउन एडजेक्टिव आ रहा है तो उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव ही होगा, सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। अगर रिलीजियस आपके ऑप्शन में आया था ना, तो ये हो सकता है रिलीजियस, होली, ठीक है, हेलो, सबका मतलब होता है बहुत ऑस्पिशियस, ये हो सकता है। ठीक है, ग्रामर बहुत हो गया, छोड़ो नहीं पढ़ाऊंगी। चलो बताओ एरर कहाँ पे है। किसी दिन, हाँ कमिट नहीं करती हूँ, कुछ दिन, किसी दिन पढ़ा दूंगी। जज इन हिम, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? उसके अंदर का जज जाग उठा और उसने अपने बेटे को ही फांसी दे दी, ठीक है। उसके अंदर का जज जाग उठा मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई जज सोया हुआ था, वो अचानक से उठ गया। यहाँ पे द जज लगाओ। उसके अंदर का जज, उसके अंदर का जज मतलब उसकी जज वाली क्वालिटीज। जज की क्वालिटीज क्या होती है? निष्पक्ष जजमेंट देना, इम्पार्शियल जजमेंट। देखो कितना अच्छा जज है, बिना भेदभाव किए अपने बेटे को फांसी दे दिया। उसके अंदर का जज जाग उठा, जमीर जाग उठा, जज वाली क्वालिटी। द लगाना, द जज। हाँ ये हो गया। और भी मुझे एक दो चीज़ बताना है, उसके बाद हम फिर और द के यूजेस पे चलेंगे। हाँ और भी सेंटेंस लिखते जाओ, आपको याद होगा। यहाँ पे ना सेंटेंस छोड़ो, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट मतलब नोट और कुछ भी लिख लो। व्हेन टू सब्जेक्ट्स मेक, व्हेन टू सब्जेक्ट्स मेक अ सिंगल यूनिट आर्टिकल, इसको पहले लिखिए, उसके बाद मैं सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी। जब दो सब्जेक्ट मिलकर एक यूनिट बना रहा है, एक कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, तो दो आर्टिकल यूज नहीं होगा, एक ही आर्टिकल यूज होगा, वो भी किसके साथ? आर्टिकल इज यूज्ड विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट। आपको ऐसे ही वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, किसमें पढ़ाया था? नाउन में, अपोस्ट्रॉफी एस में। एक बार मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको याद होगा, एक मैंने अपोस्ट्रोफी एस बताया था, जब अगर दोनों बातें एक ही सब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है तो एक ही अपोस्ट्रोफी यूज होगा, वो भी सेकेंड के साथ, बट आर्टिकल फर्स्ट के साथ होता है। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको नाउन चैप्टर बताया था, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, ठीक है, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, माला और प्रिया की, मालाज एंड प्रियाज ज्वाइंट अकाउंट, माला और प्रिया दोनों की अकाउंट सेम है, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, तो हम एक ही अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, किसके साथ? सेकंड के साथ, ये वाला हट जाएगा। ठीक इसी तरह का एक रूल बनता है आर्टिकल में, अगर दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है तो एक ही आर्टिकल लगता है फर्स्ट के साथ, अपोस्ट्रोफी सेकंड के साथ, बट आर्टिकल फर्स्ट के साथ। ये हमने उसमें किया था ना, आर्टिकल चैप्टर में किया था। हाँ तो वैसे ही एक इसमें भी देखते हैं, आर्टिकल में भी आपको मैंने थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा। और एक हाल फिलहाल में आपका जीडी एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने ऐसा वाला पढ़ाया था, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, आपको याद होगा, सब्जेक्ट वर्ब में इज प्रेजेंट, एक ही आर्टिकल लगा है। इफ वी हैव वन आर्टिकल ना, दैट मीन्स कि वही पर्सन ट्रेजरर भी है, खजाने की भी देखभाल कर रहे हैं, और वही सेक्रेटरी भी है, तो इज लगाना, इज लगाना। लेकिन सपोज मैंने लिखा
द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, एक ही आर्टिकल लगा है पहला, वो भी पहला में, तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन ट्रेजरर के पहले अलग आर्टिकल और सेक्रेटरी के पहले अलग आर्टिकल, अलग अलग द लगाकर उन्होंने बताया कि दो अलग अलग पर्सन है, तो वहाँ पे आर लगा। ये तो सब्जेक्ट वर्ब के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया, अब इसी रूल को मैं आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। उसने मुझे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया कि जो एक सिंगर भी है और एक आर्टिस्ट भी है, ओके, जो एक सिंगर भी है और एक आर्टिस्ट भी है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लगा, अ सिंगर और एन आर्टिस्ट का मतलब क्या है, सिंगर अलग है आर्टिस्ट अलग है, बट सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया अपने दोस्त से, उसका एक ही दोस्त है, वही दोस्त सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, तो एक ही आर्टिकल लगेगा। तो आप बोलोगे कि मैं कौन सा हटाया जाए, कौन सा रहेगा, कौन सा मतलब कौन वाला लगेगा, फर्स्ट वाले के साथ लगेगा ये हटा, वो सिंगर है हटा देना। हाँ ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब मैं सीधा द के यूजेस पे जाऊंगी, ठीक है, ये करवा दिया। हाँ एक चीज़ और है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, कभी कभी, हाँ ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट करके लिखते जाओ। वैसे तो हम द किसके लिए लगाते हैं, द लगाते हैं किसके लिए, एक तो द लगाते हैं किसी डेफिनेट के लिए, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल है, हम डेफिनेट के लिए लगा देते हैं, डेफिनेट पर्सन और थिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम द किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ बताने के लिए भी लगाते हैं, क्वालिटीज़ में आपने देखा ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, या कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसके लिए भी लगाते हैं। और कभी कभी हम द का यूज ना किसी क्लास, किसी होल कम्युनिटी के लिए भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब किसी होल कम्युनिटी मतलब पूरे जाति के लिए भी लगा लेते हैं। जैसे ये देखो, द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो द तो यहाँ पे किसी निश्चित काऊ के लिए बता रहा है, नहीं, यहाँ पूरे काऊ जाति के लिए, पूरे काऊ की क्लास, सिर्फ एक काऊ यूजफुल नहीं होता, सारे काऊ यूजफुल होते हैं, तो यहाँ पे द क्या दर्शा रहा है, पूरे होल क्लास को, द रोज़, जितने भी रोजेज होते हैं ना, ब्लैक रोज, रेड रोज, ब्लैक रोज, वाइट रोज, जो भी है, ये दे आर द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रोज इन पर्टिकुलर, हियर द हैज़ बीन यूज टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ रोजेज, होल क्लास ऑफ काऊ, ठीक है, क्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप जानने वाली बात यह है कि ठीक है, जैसे मैंने लिखा द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो होता है शिप ऑफ द डेजर्ट होता है, पूरे कैमल के क्लास, सिर्फ एक कैमल की बात नहीं हो रही, पूरे कैमल जाति, पूरे हाउस की जाति, पूरे सबके लिए, तो द लगाते हैं। लेकिन खास बात यह है ना कि जब यही मैन और विमेन, जब हम मैन और विमेन को किसी मैन और वुमेन से जब क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वहाँ द का यूज नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है। अब मैं बोलूँ कि मैन इज मॉर्टल, हर मैन जिसने जन्म लिया है सबको एक ना एक दिन मरना है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो किसी खास मैन की बात नहीं हो रही है ना, आपको द मैन लगाना चाहिए। द मैन का मतलब क्या है, द मैन का मतलब है पूरे मैन वाली जाति जन्म लिया है, लेकिन मैन और वुमेन अगर किसी खास जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ द लगाने की ज़रूरत नहीं, हम बाकी सारे के साथ लगा सकते हैं। तो चलो, अभी हम लोग आर्टिकल टॉपिक कर रहे थे, आज फाइनली आर्टिकल टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कल हमने यूजेज ऑफ अ और एन पढ़ा था, अ कहाँ यूज़ करेंगे, एन कहाँ यूज़ करेंगे, आज हम पहले यूजेज ऑफ द पढ़ेंगे। द पढ़ने के बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, लास्ट पॉइंट, कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अब तक तो हम पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़ होता है, अ और एन कर लिया था, द मैंने कल आपको बता दिया था, किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे, द बॉय, ये वाला तो कर लिया, ठीक है, हाँ ये तो कर लिया था हमने। और ये भी बता दिया था द हम कब यूज करते हैं, अगर किसी जाति, किसी क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो द का यूज होगा,
काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इसका मतलब नहीं है कि एक निश्चित काउ ही यूजफुल एनिमल है, ये पूरे काउ की जाति की बात हो रही है, तो द लगाते हैं. लेकिन मैन और वुमेन में अगर पूरे मैन और वुमेन जाति की बात हो रही है ना, तो वहां द मत लगा, यहां तक हमने कर लिया था. तीसरा आओ, ये ना आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ये बस पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दे रही हूँ, यहाँ से उतना कुछ एरर्स आने वाला है नहीं बस, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे मैम ने आधा उड़ा दिया. बस पढ़ाने के लिए पढ़ लो, मेन देखो कहाँ से आएगा, ये वाला जो स्लाइड है ना, हाँ यहाँ से मेन आए. पहले आप इसको देख लो, सर्टेन बुक्स, जो बुक्स होते हैं ना, सर्टेन होली बुक्स, जैसे वेदास, कुरान, रामायणा, बाइबल, ये सब के साथ भी आएगा, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स है, ओके, रिलीजियस या धार्मिक होली बुक्स है, उसके साथ भी द आता है, द रामायणा, द बाइबल, ये तो बचपन वाला है. बॉडी पार्ट्स के साथ भी आता है, द आईज, द हेड, द नोज, सिर्फ इसको लिख लो. नदी के नाम के पहले, माउंटेन्स के नाम के पहले, आइलैंड्स के नाम के पहले, द गंगा, द हिमालय, द अरेबियन सी, ठीक है, द अंडमान्स, ये बस छापने के लिए, यहाँ से कुछ खास एरर्स आने वाला नहीं, ठीक है, ये वाला बस आपको पता होना चाहिए. द आईज, द नोज, द किडनीज, द हार्ट, जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसके पहले द लगा दीजिए, जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह है उसके पहले द लगा दीजिएगा, माउंटेन, रिवर्स, उसके पहले भी द माउंट एवरेस्ट द लगा दीजिएगा, ठीक है, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, ओके, और सब आपको पता है. चलो आ जाओ, अब यहाँ से आएगा आपको, मैंने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया है, सुपरलेटिव डिग्री या एडजेक्टिव में पढ़ाया है ना, एक होता है एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा है बच्चा, बेटर मतलब दो के बीच में अच्छा है, और बेस्ट इज सबसे अच्छा. तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया वहाँ पे द लगाना, ही इज़ द बेस्ट बॉय. क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में जैसे बेस्ट आता है, वर्स्ट आता है, सबसे खराब, वाइजेस्ट, क्यों द आता है? क्योंकि हम बहुतों में से किसी खास की बात कर रहे हैं ना, कंपैरिजन उस बच्चे का बहुतों में हो रहा है, तो बहुतों में से कोई खास व्यक्ति इज द लगा देना. ही इज अ बेस्ट, नहीं द बेस्ट बॉय, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, अ टॉलेस्ट गर्ल नहीं होगा. जैसे एक अभी हाल फिलहाल में एक एरर आया था, गो टू द नॉर्थ, गो टू द नॉर्थ साइड एंड टेक, यहाँ पे था टेक, अभी हाल फिलहाल में एक सेंटेंस आया था किसी एग्जाम में, एंड टेक अ शार्पेस्ट टर्न, ठीक है, अब जाना यहाँ से नॉर्थ साइड जाना, और जो सबसे शार्प टर्न है ना वहां मुड़ जाना, फिर आप उसके घर पहुंच जाओगे. तो बहुत सारे टर्न है, टर्न में से सबसे शार्प वाला टर्न लेना है, तो किसी खास टर्न की बात हो रही है ना, वहां पे अ लगा दिया था, आपको लगाना था द द द द, ठीक है. ऑर्डिनल्स, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो द यूज होता है. ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब के साथ भी ना लगेगा द आर्टिकल, ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक. कभी कभी अ फर्स्ट चैप्टर लगा देंगे, गलत है, द फर्स्ट चैप्टर. उसी तरह आवर क्लास इज ऑन अ सेकेंड फ्लोर नहीं होता, द सेकेंड फ्लोर, ये सब ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल के साथ तो द आर्टिकल यूज हो गई, द हो गई, ठीक है. तो याद रखना है कि और द का यूज कहाँ होगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ और ऑर्डिनल्स के साथ. अब आ जाओ कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज होता है. कंपेरेटिव डिग्री के साथ द का यूज होगा, कंपेरेटिव डिग्री किसको बोलते हैं, बेटर, वाइजर, जब दो के बीच में कंपेरिजन हो रहा है तो उसके साथ भी कभी द यूज होता है और कभी नहीं होता है. आप ध्यान से लिखो, अब उसको छोड़ो, स्लाइड को छोड़ो. मैंने अभी क्या बोला कि सुपरलेटिव के साथ द यूज होता है और ऑर्डिनल के साथ भी द यूज होता है, बट विथ कंपेरेटिव्स कभी कभी यूज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला को स्टार, यहाँ से एरर आएगा, ठीक है, यहाँ से एरर आएगा विथ कंपेरेटिव्स. इसमें याद रखना है कि जब कंपेरेटिव दैन लगा के हो रहा है, जब कंपेरिजन दैन लगा के हो रहा है ना, नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर कंपेरेटिव, कंपेरेटिव वर्ड डिग्री के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा. लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कंपेरिजन ऑफ लगा के करते हैं, अगर ऑफ लगा के करते हैं ना तो वहां पे द यूज होगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल द लिख लो. अगर आप बोलोगे कि मैम सुपरलेटिव के साथ तो होता है, ऑर्डिनल के साथ भी होता है, बट कंपेरेटिव के साथ कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है, जब आप दैन लगा के कर रहे हो तो नहीं होता है, ऑफ लगा के कर रहे हो होता है, होता है. बेसिक से क्लास लेने के लिए ना इस बैच का पहला क्लास देखिए,
दिन रात बेसिक पढ़ोगे तो आगे कब पहुंचोगे? सबको दिन रात बेसिक ही चाहिए। एक एक स्टूडेंट है, मैं आपको उनसे उनके साथ मैं कांटेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ। उन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने सिर्फ हम लोगों का यूट्यूब चैनल फॉलो करके उसका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 19, सिर्फ यूट्यूब फॉलो किया है, यूट्यूब फॉलो किया। और कुछ ना, आप लोगों का दिन रात बेसिक ही चलते रहता है। अरे यही बैच बेसिक है, इसका पहला क्लास देखोगे वही बेसिक है, ऑल इंडिया रैंक है। उसे उसे मैं बात करती हूँ कि यूट्यूब से उसने कैसे पढ़ा था, इंग्लिश की बात करती हूँ, ठीक है, इंग्लिश की बात करती हूँ। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मेरे यूट्यूब देख के ही उसने ऑल इंडिया रैंक 19 ले आया है, उसने मैथ्स भी पढ़ाया है। उसका ऑल इंडिया रैंक लाने के पीछे मैथ्स का भी उतना ही योगदान है, जीएस भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है। बस मुझे उससे जानना है ना कि उसने यूट्यूब से इंग्लिश से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ताकि मैं बच्चों को बता पाऊँ, ठीक है। तो जब कंपैरिजन ना दैन लगा के कर रहे हो तो द मत लगाना, ऑफ लगा के कर रहे हो लगा लेना, यहाँ पे होगा। चलो ये सब छोड़ो, ये जो मैंने लिखा है ना, इफ दैन इज यूज्ड, दैन लगा के कर रहे हो तो द मत यूज करना, ऑफ लगा के कर रहे हो तो करना। और मैं इस द की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस द, आई एम टॉकिंग अबाउट द विच इज़ यूज बिफोर कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो मैं कंपेरेटिव डिग्री के पहले वाले द की बात कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने द लगाया है, अच्छा यहाँ पे मैंने द लगाया है, दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑफ लगा के कंपेरिजन हो रहा है ना। जब ऑफ लगा के कंपेरिजन हो रहा है तो कंपेरेटिव के पहले द लगा देना, बट जब दैन लगा के हो रहा है तो यहाँ पे द मत लगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा कंपेरेटिव के साथ द लगता ही है, कभी कभी नहीं भी लगता है। दैन दैन लगा के कंपेरिजन कर रहे हो, नहीं लगेगा, ऑफ लगा के हो रहा है कर रहा है लगेगा। लेकिन इससे भी एक बहुत अच्छा एरर आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री है बट वहाँ पे ना द लगा है, सॉरी ना दैन लगा है ना ऑफ लगा है, उस केस में क्या करना है ये देखो। कभी कभी हमारे सेंटेंस में ना द होता है ना, सॉरी ना दैन होता है ना ऑफ होता है, फिर भी कंपेरेटिव डिग्री होता है। देखो यहाँ पे कुछ दैन ऑफ नहीं लगा है बट कंपेरेटिव डिग्री लगा है ना, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ये भी कंपेरेटिव है और ये भी कंपेरेटिव है। जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है, जितना ज़्यादा डिमांड होता है उतना ज़्यादा प्राइस भी बढ़ते जाता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, देखो ये कंपेरेटिव है और ये भी कंपेरेटिव है। तो अभी तो मैंने बताया कि जब ऑफ लगा के कंपेरिजन हो रहा है ना तो द लगाना, और जब दैन लगा के हो रहा है तो वहाँ पे मत लगाना, बट यहाँ तो ना ऑफ है ना यहाँ पे दैन है, तो क्या करना है? कुछ सोचेंगे अरे इसके पहले द है तो कूलर के पहले भी लगा देते हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील, ओके। और कुछ को ये लगेगा कि इसके पहले द नहीं है तो चलो इसका द भी गायब कर देते हैं। तो ऐसे केस में दोनों के साथ लगता है द हायर, एक लेवल बताया जा रहा है ना, एक खास लेवल से ऊपर जाते हो कूलर फील करने लगता, तो यहाँ भी द लगेगा, द कूलर यू फील, ऐसे केसेस में द लगता है। द हायर द प्राइस तो क्या होगा, द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज द हायर योर बिल, ऐसे केस में लगता है। ठीक है, अरे कुड यू प्लीज एक्सप्लेन योर सेशंस इन इंग्लिश, एज सून एज आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश ना, तो देर विल बी ह्यूज ह्यू एंड क्राई, द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, मैम बी बाइलिंगुअल, नो डाउट ऑल द स्लाइड्स आर इन इंग्लिश इटसेल्फ, ओके, ऑल द स्लाइड्स आर इन इंग्लिश इटसेल्फ, बिकॉज आई नो द स्टूडेंट दे विल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि मैम डोंट स्पीक टोटली इन इंग्लिश, यू हैव टू बी बाइलिंगुअल। तो इन सच केसेस, ओके लेट मी ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, इन सन इट्स इन सम सच केसेस वेर यू डोंट हैव द कंपेरिजन बाई यूजिंग दीज प्रपोजिशंस, वेर यू डोंट मेक द कंपेरिजन बाई यूजिंग ऑफ और दैन, दैन इन दैट केस यू हैव टू यूज अ आर्टिकल बिफोर द कंपेरेटिव वर्ड, ओके। रोने लगते हैं साहब, सही बोलते हैं, रोने लगते हैं कि मैम नॉर्मल समझाइए, ओके। आई कैन अंडरस्टैंड देर मे बी सम हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड ऑल, बट नो डाउट ऑल द स्लाइड्स आर इन इंग्लिश, एंड व्हाट आई मेक इट अ पॉइंट टू एक्सप्लेन इट फर्स्ट इन इंग्लिश देन आई गो फॉर हिंदी, ओके। द हायर यू गो द कूलर यू फील, ओके, इन सेंटेंसेज वेर वी यू यू हैव कंपेरेटिव डिग्री बट यू डोंट हैव द यूज ऑफ एंड दैन, सो इन सच केसेस यू हैव टू यूज द आर्टिकल द बिफोर कंपेरेटिव वर्ड। ये वाला तो लास्ट क्लास वी हैड डन, ये हो गया। अब हम चलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यस टिल नाउ, ओके,
सिंस येस्टरडे ओके टिल नाउ वी हैड डन द यूज ऑफ आर्टिकल्स इन सम के इन सम सेंटेंसेस वी हैड यूज्ड अ इन सम वी हैज यूज्ड द एंड इन सम सेंटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट वी हैड यूज्ड द नाउ टुडे विल बी डूइंग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मीन्स इन सेंटेंसेस वेयर यू डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल ठीक है व्हाट आर द केसेस वेयर यू डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम क्या पढ़ने वाले कहाँ से हमें आर्टिकल हटाना है अब तक हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ आर्टिकल लगाना है ओमिट करना मतलब रिमूव करना ठीक है अब हमें पढ़ना है ना कहाँ से वेर यू हैव टू रिमूव द आर्टिकल वेर यू हैव टू रिमूव आर्टिकल्स ओमिट में डबल एम मत डालना अविनाश ये एग्जाम में आता है जब बच्चे स्पेलिंग एरर करते हैं ना तो मुझे तुरंत सुधारना होता है भाई ओमिट में डबल एम नहीं डालना है ठीक है गलत है एग्जाम में आता है ओमिट ओमिट में सिंगल एम होता है ठीक है लेकिन जब ओमिट से ओमिटेड बनता है ना तो उसमें एम तो सिंगल रहता है बट टी डबल हो जाता है ये एग्जाम का फेव आता है मतलब कई बार देखा है सर ओमिट में सिंगल टी बट इसका पास्ट टेंस बनता है डबल हो जाता है बट एम तो सिंगल ही रहे ठीक है भाई बुरा नहीं मानना अविनाश बुरा नहीं मानना कि मैम आपने तो मेरा इंसल्ट कर दिया इंसल्ट मैंने नहीं किया मैं चाहती हूँ कि आपका गलत ना हो आप लोगों का ना इंसल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं विच और दैट के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया प्रोनाउन चैप्टर में जाके देखो जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था वहाँ विच और दैट के बीच में डिफरेंस बताया था चलो देखते हैं कहाँ कहाँ से आर्टिकल का यू मतलब कहाँ कहाँ से आर्टिकल हटाना है सबसे पहला आर्टिकल्स आर नॉट यूज कहाँ आर्टिकल यूज नहीं होता है विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल कॉलेजेस टेम्पल्स चर्चेस जेल इफ दे आर यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पसेस ये बहुत भारी भरकम लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया मैम बस इसको हिंदी में बोलती हूँ अगर वाक्य में इन सारे संस्थानों का प्राथमिक पर्पस क्लियर हो तो वहाँ नो यूज ऑफ आर्टिकल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना तो ये जस्ट सी द सेंटेंसेस सेंटेंस देखो तो आपको पता चल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे मैंने टॉपिक वाइज एरर का प्रैक्टिस करवा दिया ओके तो अगर वाक्य में इन सारे संस्थानों का प्राइमरी पर्पस प्राथमिक पर्पस क्लियर हो रहा है तो आर्टिकल मत लगाना स्कूल और कॉलेज का प्राइमरी पर्पस क्या होता पढ़ाई के लिए जाते हो ना एजुकेशन के लिए टेम्पल एंड चर्च का रिलीजियस है पूजा पाठ और जेल और हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट के लिए और जेल सजा काटने के लिए तो आपको सेंटेंसेस को देखना है ठीक है कि वो प्राथमिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नॉर्मल यूज हो रहा है जैसे लिखा आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही अबैंडन्ड ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज अब देखो यहाँ जेल के पहले द लगा है और यहाँ पे नहीं लगा है कौन सा करेक्ट है हाँ पहला एग्जाम्पल गलत है गलत है जेल से छूटने के बाद उसने सारा गलत काम कर दी सॉरी जेल से करने छूटने के बाद उसने सारा गलत काम छोड़ दिया मतलब वो जेल किस लिए गया था जेल सजा काटने गया था तो यहाँ जेल का प्राइमरी पर्पस वाक्य में पता चल रहा है तो वहाँ पे द यूज नहीं होगा ये हो अगर किसी खास जेल की बात होती है ना जैसे तिहार जेल वगैरह इफ आई वुड हैव स्पेसिफाइड अबाउट अ पर्टिकुलर जेल किसी खास जेल का जिक्र करती तो वहाँ तो द लगा देते आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द तिहार जेल किसी खास जेल का जिक्र होता ठीक है किसी खास अब मैं प्लान करूंगी यूट्यूब के लिए मैं बिल्कुल प्लान करी आपको पता है कि मेरा यूट्यूब मेरे लिए कितना प्यारा है ओके अगर मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में आई लव ना दैट इज़ माय यूट्यूब चैनल जब ये हैक हो गया था ना तो मुझे बहुत रेस्टलेस हो गई थी मैं तो मैं यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल करूंगी आप टेंशन मत लेना हर एग्जाम के पहले किया इस बार भी होगा अब आई गो टू द स्कूल मत लगाओ मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ अंडरस्टूड है हर दिन जाता है पढ़ने ही जाता है ठीक है और यहाँ पे आई गो टू स्कूल एवरीडे मैं हर दिन जाता हूँ स्कूल बट यहाँ तो मैं गया स्कूल अपने भाई को छोड़ने तो यहाँ स्कूल का प्राइमरी पर्पस कुछ खास क्लियर नहीं ठीक है नेक्स्ट वाला जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही गोज टू द चर्च फॉर प्रेयर्स और दूसरा लिखा ही वेंट टू द चर्च
टू रिपेयर द ब्रोकन गेट्स. ठीक है, आज आज एक स्टूडेंट का ना जाएगा, आप उनका उनकी बातों को ध्यान से सुनना. एक अनअकैडमी स्टूडेंट ही है, बट अनअकैडमी स्टूडेंट हो या यूट्यूब स्टूडेंट हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं. उस बच्चे ने इतने अच्छे से बातों को बोला है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए उसने स्कोर किया है. उसका ऑल इंडिया रैंक 100 है. उसका जाएगा फिर से, कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था साउंड को लेकर. आप उसकी बातों को ध्यान से सुनना और हो सके तो उसको फॉलो करिएगा. वो चर्च जाता है प्रेयर के लिए, तो यहाँ चर्च का प्राइमरी पर्पस क्लियर हो रहा है. चर्च किस लिए जाता है, प्राइमरी पर्पस क्लियर हो रहा है तो दम मत लगाना. बट यहाँ तो वो चर्च गया टूटे हुए गेट्स को रिपेयर करने, तो यहाँ चर्च का प्राथमिक पर्पस गेट रिपेयर नहीं होता. प्रेयर का सेंस है मत लगाना, यहाँ प्राथमिक पर्पस क्लियर नहीं हो रहा है, लगा. परफेक्ट है, परफेक्ट है भाई. सीपीओ की ये क्लास ना, मैं बार बार बोलती हूँ, ये क्लास इंग्लिश के लिए, हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है ना. अभी मैं 9:30 वाले बैच में, प्रैक्टिस बैच में, सीपीओ का ही क्लोज टेस्ट करवा के आ रही हूँ. सीपीओ में आए हुए इस बार के मेंस का ही क्लोज टेस्ट करवा रही थी. सब उसी लेवल का आता है, सब उसी लेवल का है. ठीक है, अब आ जाओ. तीसरा आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होता है. नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर सनसेट, सनराइज. मॉर्निंग के साथ आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इन द आफ्टरनून, ठीक है. लेकिन ये जो सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक, डॉन, ये सब एकदम एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है. ये सब ना ऑलरेडी सनसेट, आपको याद होगा मैंने आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाया था, ठीक है. सनसेट के साथ एट लगता है, एट सनसेट, एट सनराइज, सबके साथ बताया था ना, एट ट्वाइलाइट. तो ये ऑलरेडी ना निश्चित और एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, तो इसके साथ द आर्टिकल मत लगाना. बट मॉर्निंग निश्चित टाइम नहीं होता है ना. मॉर्निंग तो 3-4 घंटों का होता है, आफ्टरनून भी 3-4 घंटे का है, इवनिंग भी 2-3 घंटे का है. तो ये सब में द लगाएंगे, बट ये सब ऑलरेडी निश्चित बता रहा है, द मत लगाना, ठीक है. एट नाइट, और जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सब तो एडवर्ब है, ये सब तो ऑलरेडी एडवर्ब है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे. तो ये सब के साथ, एडवर्ब के साथ तो वैसे भी आर्टिकल लगता नहीं. सीडीएस वाले बच्चे जो है ना, सीडीएस वाले बच्चों का मैं तो कम्युनिटी पे डाल ही नहीं पाई, तब तक एसएससी का रिजल्ट आ गया. सीडीएस वाले बच्चे का मुझे लग रहा है 15-20 बच्चों का रिजल्ट आ गया था हमारे पास, नहीं डाल पाई. फाइनली अब हम लोग अपना टॉपिक्स ख़त्म करेंगे. एक जो स्टूडेंट का मैंने डाला है ना, एक मैंने शेड्यूल किया है 3 बजे के करीब आपका आएगा, ठीक है. 3 बजे के करीब एक वीडियो आपके पास आएगा, और उस वीडियो का मैंने टाइटल ही दिया है डार्क हॉर्स. ये है असली मेरे डार्क हॉर्स. आप देखना वो बच्चे का, मतलब वो बच्चे के स्ट्रैटेजी से पता चल जाएगा कि वो रियल में मेरा डार्क हॉर्स है, अनएक्सपेक्टेड विनर. ना कमेंट ना कुछ, सीधा रिजल्ट देना. उसीलिए ना उसने डार्क हॉर्स वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए मैंने उसका, मैं आपका डार्क हॉर्स हूँ, उसीलिए मैंने टाइटल में भी डार्क हॉर्स डाला था. काला घोड़ा, अनएक्सपेक्टेड विनर. और यस, ये सब के साथ नहीं आएगा. आई विल मीट यू एट नाइट, आई विल मीट यू एट सनसेट, एट सनराइज. दूसरा, किसी भी, ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो उसके साथ भी आर्टिकल मत लगाना, ठीक है. जनरल सेंस में बात हो रही है तो आर्टिकल नहीं लगाना, अगर पर्टिकुलर हो रही है तो लगाना. जैसे मैन इज मॉर्टल, ये जनरल सेंस में बात हो रही है ना. हर मैन जिसने जन्म लिया है, सबको एक ना एक दिन मरना है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैन इन जनरल, तो यहाँ पे आर्टिकल मत लगाना. बट यहाँ तो किसी खास मैन की बात हो रही है जिसको मैंने फॉरेस्ट में देखा, ये सही है. अगर मैं यहाँ पे लिख देती ना द वाटर, कोई खास पानी लाइफ के लिए एसेंशियल है, पानी इन जनरल सबके लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पे आर्टिकल मत लगाना. बट यहाँ तो किसी खास पानी की बात हो रही है. कौन सी पानी, नदी का पानी इज डर्टी. आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर, पर्टिकुलर की बात हो रही है तो लगा देना. द गोल्ड नहीं लगाऊंगी, गोल्ड इन जनरल एक बहुत बहुमूल्य मेटल है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर गोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड इन जनरल, जनरल सेंस में मत लगाना. बट इस अंगूठी की जो गोल्ड है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो दिस रिंग वाली गोल्ड की बात हो रही, खास गोल्ड की तो लगा लेना. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. हाँ, मेरे को और याद रखना है कि हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है ना, हम लोग का इतना, मतलब चलो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की तारीफ कर रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को सल्यूट करती हूँ कि हम लोग का जो चैनल है ना, इंग्लिश विद रानी मैम, और हम लोग का चैनल सिर्फ इंग्लिश का है.
ठीक है, हम लोग का चैनल मैं अभी इंग्लिश विद रानी मैम में इंग्लिश ही है, जीएस रीजनिंग नहीं है, ये सब नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है। और तब हमारे बच्चों ने इतना सेलेक्शंस दिया, इतना सेलेक्शंस दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्टूडेंट्स। इस बार का जो मीटअप होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली प्री के बाद, जब आप थोड़ी फ्री हो जाओगे, कुछ बच्चे प्री भी दे रहे हैं, मीटअप हम लोग अगस्त में रखेंगे, ठीक है। मतलब बहुत जबरदस्त होने वाला है इस बार का मीटअप, पिछले से भी अच्छा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स, भर भर के हम सारे स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं थैंकफुल, आभारी रहूँगी, ग्रेटफुल रहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा सिलेक्शन दिया। तो जब जनरल सेंस में बात हो रही है ना, तो आर्टिकल का यूज़ मत ले, मतलब आर्टिकल यूज़ मत करना। अगर किसी खास बच्चे की, किसी खास गोल्ड की बात हो रही है, तो वहाँ पे आर्टिकल लगा दें, ठीक है। अब आ जाओ, अब कुछ इडियमेटिक फ्रेजेज है, ये तो मैं अलग से लिखवाऊंगी, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं अलग से कॉपी, मतलब अलग से स्लाइड में लिखवाऊंगी कुछ। हाँ, ये मत सोचना कि मैम ने छोड़ दिया है, इसको मैं अलग से करवाऊंगी, इसमें ना थोड़ा मेरे को कंपेरिजन करना है। अब आ जाओ, और आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होगा, जैसे हम प्रॉपर नाउन के पहले तो नहीं यूज़ करते हैं, शेक्सपियर के पहले या न्यूटन के पहले यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर उनकी क्वालिटीज़ बताई जा रही है तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ बताई जा रही है तो कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ के नाम के पहले हम, मतलब कंट्री के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, द इंडिया नहीं लिखेंगे, बट कुछ ऐसे कंट्रीज़ है ना जिसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, जो यूनाइटेड होके बना है। जैसे माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम, द इंडिया नहीं लगाऊंगी, द इंडिया गलत है। बट आप बोलोगे मैम यूएसए के पहले तो आपने लगाया है, जो भी कंट्रीज यूनाइटेड होके बना है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब यूएस यूएसए सेम ही है, यहाँ पे मुझे ना यूके लिखना चाहिए, यूके है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और इंडिया में एक ही स्टेट है जिसके पहले द लगता है, जैसे पंजाब, पंजाब भी है, का भी नाम पड़ा है 5 नदियों के नाम पे। तो ये सारे भी अपने साथ, जो यूनाइटेड वाले हैं वो सब, द वेस्ट इंडीज भी आइलैंड्स है, वो सब के साथ द लगेगा। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जितना मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, उतना आपका एसएससी में ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप आराम से मेरे को फ़ोन करना, उसके बाद मैं अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगी, थोड़ी मान लोगे, बोलेंगे ना मोदी जी की तरह कि मैम प्रूफ दीजिए, जैसे मोदी जी का मांगा जा रहा है, प्रूफ दीजिए जी। बट इतना है कि जितना है वो एसएससी में पढ़ाने के लिए उतना ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा देख के तब आएंगे क्लास करने, मेरा इंटरव्यू लेगा। ओके, तो कंट्री के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ है जो यूनाइटेड वाला, यूएस, यूके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पंजाब, ये सब के पहले लगता है। अब आ जाओ, आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं होता है, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आई वॉन्ट टू स्टडी द इंग्लिश नहीं होगा, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश का दो मतलब है, एक इंग्लिश, एक इंग्लिश क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, और दूसरा एक इंग्लिश मतलब द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों को हम ब्रिटिश भी बोलते हैं और इंग्लैंड के लोगों को हम द इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन जब लोगों का सेंस आए, ओके, इंग्लैंड के लोगों का सेंस आए तो द इंग्लिश लगाना। द इंग्लिश का मतलब है, इंग्लिश के पहले द लगाया ना, इसका मतलब है इंग्लैंड के लोग। बट इंग्लिश अगर लैंग्वेज का काम कर रहा है ना, तो उसके साथ द मत लगाना, द नहीं लगाना, द नहीं लगाना, द नहीं लगाना। एक होता है फ्रांस के लोग को भी फ्रेंच बोलते हैं, और फ्रांस की भाषा भी फ्रेंच होती है, तो याद रखना अगर भाषा के सेंस में है तो मत लगाना, अगर लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो आर्टिकल मत लगाना, बट द लगाया ना, द फ्रेंच का मतलब ही हो गया है पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोग को फ्रेंच बोल। चलो, ही स्टडीड द इंग्लिश एट होम, थोड़ा सेंटेंस देखो, ही स्टडीड द इंग्लिश, घर पे इंग्लिश पढ़ता है, मेरे चैनल में आराम से यूट्यूब ऑन करके घर से ही मेरे चैनल को फॉलो करता है, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है ना, लैंग्वेज की बात हो रही है तो द मत लगाना, ठीक है। ही स्टडीड इंग्लिश, बट द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ये तो सही है ना, द इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, द ब्रिटेन के लोगों ने फ्रेंच के लोगों को डिफीट किया, अगर लोगों का सेंस है तो द लगा लगा देना, लगा देना। ये किसने बोल दिया, दिल्ली भी तो हरियाणा और यूपी से मिलकर बना है, कहाँ से पढ़ के आए हो,
हिमांशु, दिल्ली भी तो हरियाणा और यूपी से मिलकर बना है, खुद से मिला के बना दिया। अन अकेडमी और इंग्लिश विद रानी मैम चैनल भी तो एक साथ मिलकर बना है। कुछ भी, तो लोगों के सेंस में द लगाना और चीजों के सेंस में द मत लगाना। अब मुझे ये वाला बस लास्ट है, ठीक है, लास्ट आपको बताना था। अगर अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, ओके, अगर मैं एक सेंटेंस, लास्ट बच गया, अच्छा टाइम से खत्म हो गया। द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश, दूसरा आप देखना कहाँ लैंग्वेज का काम कर रहा है, कहाँ लोगों के सेंस में। द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच। अब बताओ कि कहाँ वाला द हटेगा, कहाँ वाला रहेगा, कहाँ वाला हटेगा। द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब स्पीक, स्पीक मतलब बोलते हैं, लैंग्वेज नहीं बोलेगा ना, व्यक्ति बोलेंगे। तो यहाँ द इंग्लिश लोगों के सेंस में, लोगों के सेंस में है तो रखोगे आर्टिकल, बट इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं हटाओगे। और द डैश इज स्पोकन, स्पोकन बोला जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज को बोला जाता है, लैंग्वेज में द नहीं लगाना, फ्रांस के लोगों के द्वारा द लगा द। चलो अब लास्ट फाइनली हम लोग का ना, करते 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 बीच में इतने एग्जाम्स आते आते अब फाइनली हम लोग का खत्म हो गया। अभी ना इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स हुआ है, इस बार हम लोग का प्रॉब्लम है PQRS। तो इस बार यूट्यूब पे भी, अनअकैडमी पे तो चलता ही है, इस बार यूट्यूब पे भी जम के PQRS करना है, ठीक है। PQRS का दो क्वेश्चन तो आएगा, दो दो क्वेश्चन आएगा, समझ गए हो ना, दो क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, ठीक है। और ये ना प्रॉब्लम क्या है कि ये मेंस में भी डिफिकल्ट वाला थोड़ा दे रहे हैं और प्री में भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्री में बहुत इजी दे दे रहे, जो पूजा पाठ करके जा रहा है उनका इजी आ जा रहा है, लक की बात हो रही है। तो इस बार इस पे वर्क करना, इस साल का रेजोल्यूशन है कि अपना PQRS इम्प्रूव करना है। PQRS बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं यूट्यूब पे मैंने प्लान किया है ना, कितना पढ़ाया है, जिन बच्चों ने समंदर मंथन का बैच कर लिया है ना, वो उनको मुक्ति मिल गई है वो कैप से। लेकिन समुद्र मंथन का बैच ना मैंने कंप्लीट अन अकेडमी पर पढ़ाया, उसका वीडियो तो मैं अपने यूट्यूब पे डाल नहीं सकती, कॉपीराइट और वो सब हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ एक वोकैब का सेशन सोच रही हूँ, इस प्री एग्जाम को ध्यान में रख के एक वोकैब का सीरीज स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, ठीक है। प्री एग्जाम को यूट्यूब पे, प्री एग्जाम मतलब CGL और CHSL को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा वोकैब का सीरीज स्टार्ट किया जाए ना, कि इनको प्रैक्टिस भी करवाया जाए और क्लास में इनको रटवा दिया जाए और जो एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है, जो एग्जाम में आ भी जाए, आ भी जाए। तो एक मैं वोकैब का भी सीरीज सोच रही हूँ यूट्यूब पे, और एक PQRS इम्प्रूव करना है। एक वोकैब का मतलब, इसमें तो अनअकैडमी वाले बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है, दोनों के लिए, दोनों के ही लिए, ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मतलब कुछ ज़बरदस्त वोकैब जो एग्जाम के बाद में ना मुझे ऐसा सुनने को मिले कि मैम यहीं से आया था, ऐसा टाइप वाला, थोड़ा सोच समझ के रेडी कर रही। तो चलो अब कुछ फ्रेजेस के साथ, ये वाला जो रूल मैंने छोड़ा था ना मैं वही करवा रही हूँ, कुछ इडियमेटिक फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसको लिखो, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर कुछ कुछ सर, बिफोर सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेस। इडियोमेटिक फ्रेजेस मतलब वो वैसे ही बना हुआ है, उसका अपना एक मीनिंग, इडियोटिक लिख दिया, सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेस। क्लोज टेस्ट भी पढ़ा दूंगी यार, कॉम्प्रिहेंशन लाओ। यस, ये देखो, ही इज इनर डिफिकल्टी होगा, या लिखते जाओ, पहले पहले लिखते जाओ, इन डिफिकल्टी लिखते जाइए पहले। आई डिड दिस बाय अ मिस्टेक, या बाय मिस्टेक। तीसरा, एक्सप्लेन द मैटर इन डिटेल, या एक इनर डिटेल, रट लेना है इसको, ये फ्रेजेस है, इसमें ग्रामर का रूल्स नहीं लगाना।
फोर्थ इन कंफ्यूजन, इन अ कंफ्यूजन या इन कंफ्यूजन, और यहाँ पे नोट डाल रही हूँ डायलमा, डायलमा का मतलब भी कंफ्यूजन होता है, इन अ डायलमा या इन डायलमा, पहले इसको लिखिए, इसको लिखना है क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट सब्सक्रिप्शन, व्हाट अबाउट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वाले में सब्सक्रिप्शन चलेगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप जो लिख रही हूँ उसको लिखो, लिख के डन बोलना है, और सेशंस अच्छे लगे लाइक भी कर देना है। हाँ, ही इज इन अ डिफिकल्टी नहीं होता, इन अ डिफिकल्टी नहीं होता, ये फ्रेज बना हुआ है बगैर आर्टिकल का, ही इज इन अ डिफिकल्टी नहीं हो, ही इज इन डिफिकल्टी, आर्टिकल मत लगाना, I did this by a mistake नहीं होता है, by a mistake नहीं होगा, it's by mistake. Explain the matter in a detail नहीं होगा, in detail, in detail, in detail. He is in a confusion नहीं होगा, he is in confusion. हाँ, in a confusion नहीं होता है, confusion और dilemma. Confusion का मतलब भी दुविधा, dilemma का मतलब भी दुविधा, but confusion के साथ article नहीं लगता है, but dilemma के साथ लगता है. He is in dilemma नहीं होगा, he is इन अ डायलमा, याद रखना दोनों का मतलब तो सेम ही है, बट कंफ्यूजन वर्ड आर्टिकल नहीं लेता है, नो आर्टिकल, बट डायलमा वर्ड आर्टिकल लेता है, लेता है, लिख लीजिए, लेता है, इन अ डायलमा, ठीक है, इस साइड का रब कर रही हूँ, एक एंगर वाला भी आता है, ये वाला लिख लो यहाँ पे, ही इज इन एन anger, he is in a temper, he is in a bad mood, और बार बार बोल रही हूँ और लगातार बच्चों का जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है, तो बस एक ही चीज सीखो, हर बच्चा का स्ट्रैटेजी आप देखो, देखोगे ना, हर बच्चा अपना अलग ही स्ट्रैटेजी बता रहा है, आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कॉमन चीज़ क्या है कि बच्चे ने बोला है पिछले बार सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, प्रैक्टिस की कमी हो गई थी, मॉक कम लगाया था, ठीक है, या पिछले बार किसी को अच्छा रैंक नहीं मिला, इस बार अच्छा रैंक मिला है ना, तो उसने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाई है, प्रैक्टिस बढ़ाई है, पहला चीज़, जितना भी कोई स्ट्रैटेजी बना ले, दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, ग्रामर पढ़िए, बट बहुत ज़्यादा नहीं, दिन भर अ मैनी द मैनी यही पढ़ते जा रहे हैं, लगेज बैगेज सीनरी नहीं होगा, ये होगा, विच और दैट के बीच में क्या डिफरेंस है, हु और हुम में क्या डिफरेंस है, वो ना एक लिमिट में पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है, वो उसका कोई लिमिट नहीं है, 10 टीचर आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे, आपको बस अगर सचमुच में सिलेक्शन चाहिए और अच्छा पोस्ट चाहिए तो क्लोज टेस्ट पैसेज PQRS से दोस्ती करिए, क्योंकि SSC का एग्जाम्स धीरे धीरे उसका झुकाव कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जा रहा है, जितना जल्दी हो सके स्ट्रांग करिए, क्योंकि वो सबको स्ट्रांग होने में टाइम लगता है, ग्रामर जल्दी हो जाता है, और दूसरा प्रैक्टिस करिए उसको मैक्सिमम, सिलेबस तो आपका 1-1.5 साल पहले काफ़ी सारे बच्चों का हो गया था, उन्होंने बोला बस प्रैक्टिस किया है, चलो ही इज इन एन एंगर, बहुत मतलब इतना ज़्यादा मैनी मैनी द क्या क्या कर रहे हो, कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री, अरे उसका एक लिमिट है, उसका एक लिमिट है, उसको करके खत्म करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, ही इज इन एन एंगर नहीं होता है। बच्चा तो मेरा 4 साल के बाद भी सिलेक्शन ले रहा है, और कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल में ले रहे हैं 1 साल में ले रहे हैं, जो जल्दी समझ ले रहे हैं, एंगर के साथ आर्टिकल नहीं होगा, ही इज इन एन एंगर नहीं होता, ही इज इन एंगर, बट ही इज इन अ टेम्पर, ही इज इन अ बैड मूड, इसके साथ लगेगा 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 लगेगा, D SSS के लिए भी है, हिमलता उसके लिए भी है, आप मैच करो ना, आप मैच करो, हाँ, और मैंने डिसाइड किया है ना कि अभी पैसेज नहीं लाऊंगी, मैं पैसेज का बहुत अग्रेसिव बैच YouTube पे लाऊंगी प्री के बाद, मेंस के समय, क्योंकि प्री में अभी पैसेज ऐसे नहीं आने वाला, ठीक है, मैं मेंस के समय लाऊंगी, अभी मैं आपको PQRS और क्लोज टेस्ट करवाऊंगा, PQRS अभी पैसेज नहीं आए।